मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो टाइटल और थंबनेल पढ़ के तो आपको पता ही चला होगा आज की जो ये वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर है। तो देखो दोस्तों, मैं आज हॉर्नेट का इंजन फ्लश करने वाला हूँ। तो मेरा किलोमीटर देख लो आप, 9500 किलोमीटर हो चुका है। बेसिकली इंजन फ्लशिंग 10,000 किलोमीटर की बात करते हैं, बट मेरे गाड़ी को 4-4.5 साल हो चुके हैं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इंजन फ्लश होता क्या है? तो इंजन फ्लश दोस्तों ये होता है कि अपने गाड़ी में जो स्लज होता है वो पूरा रिमूव हो जाता है। जब हम लोग ऑयल ड्रेन करते हैं तभी ऑयल से जो स्लज है वो ड्रेन नहीं होता, तो इंजन फ्लश उसकी मदद से ड्रेन कर देता है स्लज। ये देखो दोस्तों, ये मैं वैक्स पॉल का इंजन फ्लश यूज़ करने वाला हूँ। इसका मैंने करिश्मा पे ऊपर भी एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। तो फ्रेंड्स, ये है 300 ml का। ये देखो कैमरा में देखने, 300 ml का है। और इसका थंब रूल क्या है कि चेक क्रैंकनेस। क्रैंकनेस का मतलब है कि इंजन का ऑयल लेवल पहले चेक करो, उसके बाद ऐड टू इंजन ऑयल, और ऐड टू इंजन ऑयल के बाद आइडल 5 मिनट ऑन रखना है। उसके बाद ओल्ड ऑयल को ड्रेन करना है, उसके बाद न्यू ऑयल को ऐड करना है। तो देखो, सबसे पहले आपका गाड़ी दोस्तों वार्म होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी चला चुका हूँ। जितना गाड़ी वार्म रहेगा और उस टाइम आप इंजन फ्लश करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद ये कैप को आप ओपन करो। ओके दोस्तों, ओपन करने के बाद ये 300 ml का है दोस्तों। तो अपने को 300 ml ऐड नहीं करना है पूरा। ये 300 ml पूरा कोई कार में जिसमें 7 लीटर या 6.5 लीटर इंजन ऑयल होगा उसमें, इसका थंब रूल ये है कि 1 लीटर इंजन ऑयल में 50 ml ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ये E90 का कुछ लूप्स ऐड बाय किया था, ये फ्यूल में मिक्स करते हैं, तो ये मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो ये 50 ml का है, तो इसके मदद से मैं 300 ml का इसमें 50 ml ऐड कर चुका हूँ। तो ये मैंने डब्बा ऐसे ही रखा था। तो इसके अंदर अभी ये वैक्स पॉल का इंजन फ्लश है। अभी चलो मैं इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने ऐड कर दिया 50 ml। अभी कैप को बंद करना है। ये देखो, कैप को मैंने दोस्तों बंद कर दिया। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करने वाला। ये देखो क्लॉक में कितना टाइम हुआ है, 11:12 हुए। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। आइडियल पे गाड़ी चला रखना है आपको। एक्सलेट भी नहीं करना है गाड़ी को, और रन तो गलती से भी नहीं करना है। इससे आपका ब्लॉक पिस्टन और टाइमिंग चेन में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो टैपेट में जो ऑयल पास होता है वो ऑयल ब्लॉक हो सकता है। जो टैपेट के ऑयल के आने का जो वे है वो ब्लॉकेज हो सकता है। अभी देखो दोस्तों, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्यारह बजकर 13 मिनट पर मैं स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसका इंजन फ्लश पे लिखा हुआ 5 मिनट, बट मैं रखूँगा 10 मिनट। अगर आपने कभी पहले इंजन फ्लश किया ही नहीं और आप फर्स्ट टाइम करने वाला, आपका बाइक बहुत पुराना है, तो 5 से 10 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा रखो तो बेटर रहेगा। तो उससे क्या है कि आपका जो इतने साल का जो स्लज जमा होगा वो क्यों हुआ होगा। मैंने देखो करिश्मा का एक वीडियो बनाया हुआ है 30,000 किलोमीटर के बाद, वो आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो मैंने 30,000 में फर्स्ट टाइम इंजन फ्लश किया था। दोस्तों, 11:20 हो चुके हैं, तो मैक्सिमम मैंने 7 मिनट रखा है, क्योंकि मेरा नया बाइक है। अगर आपका ओल्ड बाइक है तो ही 5 मिनट के ऊपर रखना। अभी मैं बाइक को बंद कर रहा हूँ। अभी दोस्तों, आपको ऑयल को ड्रेन करना है, तो आपको दिखा दो मैं ऑयल कहाँ से ड्रेन करना है। ये देखो, ये मैंने स्टैंडी का टूल किट लिया हुआ है। तो इसको तो हॉर्नेट में फ्रेंड्स ये ड्रेन बोल्ट है, इसको 12 का पाना लगता है। तो ये देखो 12 का स्पैनर, इसकी मदद से मैं इसको ओपन करता हूँ। इंजन कुछ हिसाब के बाहर ओवर हीट हुआ है, शायद इंजन फ्लशिंग की वजह से हुआ है। ये करिश्मा के टाइम भी हुआ था। ये 300 ml के डब्बे से मैंने 3 बाइक ऑलरेडी किया हुआ है, हंग, करिश्मा, एक्सेस, और ये चौथा बाइक कर रहा हूँ। और बचे हुए 100 ml से मैंने कार का इंजन फ्लश किया था। इंजन बहुत हीट है। ये देखो देखो दोस्तों, इंजन का ऑयल का कंडीशन देख लो। ऑयल नीचे गिराना मत, सरफेस पे गिराना मत, इससे बाइक स्लिप होती है और किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है।
मेरा बाइक तो ये नया ही था तो मेरा इतना स्लर्ज नहीं होगा, बट इंजन फ्लज करना बहुत अच्छा होता है। बट ऐसे नहीं कि बार बार करो, हॉर ऑयल सर्विस में इंजन फ्लशिंग करो। इंजन फ्लशिंग 10,000 किलोमीटर के बाद ही करो। अभी मैं डायरेक्ट 20,000 किलोमीटर या फिर 2-2.5 साल बाद करूँगा। अगर 2-2.5 साल में मेरा 10,000 किलोमीटर नहीं हुआ तो फिर भी मैं करूँगा, क्योंकि स्लज तो जमते ही रहता है। ऑयल को पूरा ड्रेन होने देते हैं। ये देखो 3 से 4 मिनट हो गए, फिर अभी तक ऑयल ड्रेन ही हो रहा है। थोड़ा मैं गाड़ी को टेढ़ा कर देता हूँ, शायद बचा हुआ ऑयल गिर जाएगा। ये देखो गिर रहा है। ये ड्रेन बोल्ट डाउन साइड में देना चाहिए था, टेढ़ा दिया हुआ है, इसके लिए देखो बचा हुआ दोस्तों ऑयल कितना टेढ़ा करने के बाद ज़्यादा गिर रहा है। अभी मैं ड्रेन बोल्ट को बंद करने वाला था। तो फ्रेंड्स ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है, अभी मैं ड्रेन बोल्ट को लगा देता हूँ। ड्रेन बोल्ट को अच्छे से टाइट करो। ड्रेन बोल्ट अगर आपने ज़मीन पे रखा होगा तो अच्छे से चेक करो कि उसको कोई डस्ट वस्ट चिपका है क्या, कोई मिट्टी विट्टी चिपका है क्या। ये देखो फ्रेंड्स मैंने अभी ड्रेन बोल्ट को अच्छे से टाइट किया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑयल में कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। ये देखो फ्रेंड्स मैं ऑयल में ये यूज़ करने वाला हूँ 15W50। 15 मीन्स मिनिमम टेम्परेचर, 50 मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर। ये आपको ऑयल का डब्बा लोकल शॉप में मिलेगा, मैंने तो अमेजोन से बाय किया है। ये देख लो ये ओल्ड डब्बा है, इसके अंदर पुराना ऑयल है। ये 2.5 लीटर के ऑयल से मैंने करिश्मा में 1 लीटर डाला था और हंक में 1 लीटर डाला था। करिश्मा का मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ। ये देखो दोस्तों नया डब्बा, ये न्यू बॉक्स है। ये देखो ये एकदम न्यू है, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी और लिखा है फॉर क्रूजर बाइक। ये देखो इसमें ऑयल लेवल भी दिख रहा है, ये देखो 2 लीटर ऑयल है इसके अंदर। और ये ओल्ड डब्बे में ऑयल लेवल नहीं था, बट ये भी अच्छा ही था। साइज़ का भी डिफरेंस देखो, 1 साल में डिफरेंस चेंज हो चुका है। 2.5 लीटर ही है, ये भी 2.5 लीटर है, बट ये थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ये ऑयल दोस्तों स्कूटी जो अपने एक्टिव एक्सेस है, गियरलेस बाइक्स स्कूटर्स, उसमें गलती से भी यूज़ मत करना। और इसका मैं परफॉर्मेंस वीडियो आपको मैं 1-1.5 महीने बाद बता दूंगा कि ऑयल का परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे भी मैंने हंक और करिश्मा में ये ऑयल यूज़ कर चुका हूँ तो उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। मैनुअल तो 10W30 बोलता है, बट ज़रूरी नहीं है। अपने स्टेट के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से आपको ऑयल ग्रेड्स यूज़ करना है। ये देखो इसका प्राइस है 1049, बट मुझे ये मिला है अमेजोन पे 950 में। और एक साल पहले इसका प्राइस था 999, बट उस टाइम में जो ये मिला था 900 रुपये में। अभी इसको ओपन करते हैं। ये स्पेशली ऑयल आता है बुलेट के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बुलेट में ऑयल डाल सकते, क्योंकि इसका ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो बहुत अच्छा। और दोस्तों देखो ये एकदम ओरिजिनल है, ये कैस्टर का सील होना चाहिए, डुप्लीकेट में ये पूरा प्लेन रहता है। ये देख लो एक हॉर्नेट में कंपनी रिकमेंड करती है 10W30, बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये स्टेट है इसमें इतना ठंडी होता नहीं है, गर्मी ज़्यादा होता है। और वैसे भी बाइक वार्म अप होने के बाद तो 30 या 40 टेम्परेचर के ज़्यादा ही रहता है। मैंने टेम्परेचर गन से भी चेक किया हुआ, इंजन का टेम्परेचर 40 या 50 ही रहता है, गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो। तो ये देखो 15 मीन्स मिनिमम टेम्परेचर, 50 मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके विस्कोसिटी के हिसाब से ऑयल कंट्रोल रहता है इंजन में। इसको मैं इस बॉटल की मदद से 1 लीटर ऑयल को अलग कर लूँगा, ये 1 लीटर का बॉटल है। फ्रेंड्स ऑयल कितना गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है। ये ओल्ड डब्बा मैंने दोस्तों इसके लिए लाया है कि क्योंकि ये ऑयल मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ। हॉर्नेट में मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, पर इसके पहले मैंने हंक में डाला हुआ है और मैं करिश्मा में डाला हुआ है। इसमें बचा हुआ 1 लीटर मैं करिश्मा में डाल दूँगा, 0.5 लीटर तो वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही ऑयल वॉयल चेन वेन में यूज़ करने के लिए हो जाएगा। तो आइए ऑयल को ऐड करते हैं। बहुत धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि ऑयल बहुत गाढ़ा है। और दोस्तों ये ऑयल फुल्ली सिंथेटिक है, आपको मैं दिखा रहा था, ऑयल पे लिखा हुआ भी है कि ये सिंथेटिक है कैस्ट्रॉल का। ये 15W50 1 लीटर का शायद आता है कि नहीं पता नहीं, बट ये 2.5 लीटर का ही आता है। ये स्पेशली बुलेट के लिए आता है, बट आप नॉर्मल बाइक्स में यूज़ कर सकते हो, बस स्कूटर में यूज़ मत करना, जो गियरलेस बाइक है उसमें यूज़ मत करना। ढक्कन को बंद कर देते हैं।
ढक्कन को लगाते समय पहले प्रॉपर साफ करो अच्छे से, क्योंकि इसमें डस्ट वस्ट पकड़ सकती है। ऑयल को डस्ट फटक से पकड़ दिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो टाइटल और थंबनेल पढ़ के तो आपको पता चला होगा वीडियो का टॉपिक क्या है आज का। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस हॉर्नेट बाइक का इंजन फ्लश करने वाला हूँ। ये देख लो, मेरा आज गाड़ी का किलोमीटर हुआ है 9500। बेसिकली मिनिमम 10,000 के बाद किलोमीटर इंजन फ्लश करते हैं। ऑयल कैप को अच्छे से बंद कर लिया, अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऑयल का फायरिंग बाइक का फायरिंग देखो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।